मारी सुबाव इत्यादि अपनी राक्षसी सेना को लेकर यज्ञ में विघ्न पहुंचाने के लिए पहुंचे। और जैसे ही भगवान ने राक्षसी सेना को आते हुए देखा तो मारीच को बिन फर का बाण मारा और वो लंका में भेज दिया सात समुद्र पार। अब सात समुद्र कहते हैं, यहाँ से लंका के बीच में तो एक ही समुद्र पड़ता है शायद, अब एक पड़े या सात पड़े उससे कोई मतलब नहीं, समुद्र के उस पार भेज दिया लंका में। लंका में क्यों भेजा? लंका में इसलिए भेजा मानो रावण से कह दिया हो कि अब तू तैयारी कर ले, अब तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए काहे की जाने की, अब हम आ गए। उसे लंका में भेज दिया मारीच को। सुबाहु को अनुज निशाचर कटक संहार, लक्ष्मण जी ने राक्षसी सेना को कुछ ही क्षण में समाप्त कर दिया। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ आकाश से धुंध बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी और सब कहने लगे जय हो मेरे प्रभु जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, लाडले लखन लाल की जय। किस लिए वर्षा हो रही है, किस लिए जय जयकार हो रही है? क्योंकि वो जानते हैं जब यज्ञ संपन्न होती है तो देवता लोग पुष्ट होते हैं, धर्म स्ट्रांग होता है और ये कार्य भगवान श्री राम करते हैं, उस यज्ञ को संपन्न करा देते हैं। अब जब यज्ञ संपन्न हुआ तो एक यज्ञ का निमंत्रण भी आया और वो यज्ञ है धनुष यज्ञ, मिथिला में धनुष यज्ञ। मिथिला से निमंत्रण आया और जब मिथिला से निमंत्रण आया तो विश्वामित्र जी ने पूछा, प्रभु जिस कार्य के लिए हम आपको लाए थे वो कार्य तो संपन्न हो गया, यज्ञ तो संपन्न हो गया, अगर आप कहें तो हम आपको अयोध्या पहुंचा दें, उसके बाद हम मिथिला जाएं, और आप अगर चाहें तो आप हमारे साथ चलिए मिथिला, वहाँ का आनंद लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको अयोध्या में भेजें, तब आप पधारना अयोध्या। राम जी कहते, राम जी जानते हैं वहाँ ससुराल बनने वाली है, कहाँ ये ससुराल शादी से पहले बहुत अच्छी लगती है कसम से भैया, ससुराल का नाम आते ही होठों में ऐसे लगता है जैसे रसगुल्ला की चाशनी चिपक गई हो, नहीं? और शादी के बाद ससुराल का नाम क्यों? करेले की सब्जी खिला रहे हो भाई, ये तो देवियों को ससुराल में रहना पड़ता है, वरना ये सिस्टम बना दे कि पति मेरे यहां आके रहेगा। वैसे सच है गृहस्थ जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा गृहस्थ जो है, इसमें दो समझदार लोग चाहिए जो सुख दुख में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे के साथ गुस्सा भी करें, ठीक है कभी कभी गुस्सा जरूरी है, तो जिस दिन देवी को गुस्सा आए उस दिन सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल दो, जिस दिन भाई को गुस्सा आए उस दिन की उस महीने की सैलरी देवी को मत दो, छोटा मोटा गुस्सा हो। अब ये पुलिस में चले जाना, कोर्ट में चले जाना, मीडिया में इस चीज को उठाना, ये गलत, ये आप अपने रिश्ते को और अपने आप को जीते जी मार देते हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी कुछ हो रहा है और बड़े अच्छे अच्छे लोगों में हो रहा है तो मुझे तकलीफ होती है, आप भारत में रहकर भी नहीं जान पाए रिश्ते कैसे निभाने चाहिए तो फिर आप क्या कर पाओगे अपनी लाइफ के साथ? अगर भारत में रह रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सुख दुख जीवन में आते जाते रहेंगे। मिथिला विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज, Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें, Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।